एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक एलोवेरा फेशियल विच विल रियली बी हेल्पफुल. सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ. एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस फेशियल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज दिस एलोवेरा जेल. सो वी आर गोइंग टू मेक दिस. Let's see how to make this. Take fresh aloe vera gel. Cut them and take out the gel from it. मैंने यहाँ पे aloe vera gel को काट लिया है. आप किसी भी प्रोसेस से aloe vera gel को निकाल सकते हो. And I'm going to make the gel now. Or the paste now. So आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिक्विड सा जेल फॉर्म हो चुका है. And I'm going to transfer it into a bowl or a cup. So aloe vera एक natural moisturizer है. ये heal करता है हमारे skin को और बहुत ही ज़्यादा soothing है हमारे skin के लिए. हमारे skin को बहुत ज़्यादा smooth बनाता है. So इस facial को start करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आपके face पे कोई भी makeup है तो फिर उसे मेकअप रिमूवर की हेल्प से रिमूव कर लीजिए और साथ ही साथ कोई भी क्लिंजर यूज़ कीजिए टू रिमूव ऑल द डर्ट दैट इज़ ऑन योर फेस. बट यहाँ पे मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है. सो आई एम यूजिंग जस्ट अ फेस वॉश. यू कैन यूज़ एनी फेस वॉश दैट यू लाइक. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए. सो बिफोर स्टार्टिंग द फेशियल आई एम गोइंग टू टेक वेपर ऑन माई फेस. उसके लिए आप एक टब में गर्म पानी ले लीजिए और अपने हेड के ऊपर एक टॉवल से कवर कर लीजिए. टेकिंग द स्क्रब मैंने यहाँ पे लिया है ग्राइंड किया हुआ शुगर एंड उसमें मैं ऐड करूँगी हाफ लेमन एंड देन इसमें हम ऐड करेंगे अबाउट 1.5 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल दैट आई मेड बिफोर. सो इस स्क्रब को हम अपने फेस पे, अपने टी जोन पे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे. अच्छी तरह मसाज कर लेंगे. मसाज को अबाउट फॉर 2 मिनट्स हम अच्छी तरह अपने फेस पे मसाज करेंगे इसको. आफ्टर अप्लाइंग दिस स्क्रब मैं फिर से अपने फेस पे वेपर लूँगी फॉर अबाउट अनदर 5 मिनट्स. मास्क बनाने के लिए हम लेंगे पपाया. राइप पपाया हम ग्राइंडर में डाल लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे अबाउट 3 to 4 टीस्पून ऑफ दिस एलोवेरा जेल. और साथ हम ऐड करेंगे अबाउट 1 to 2 टीस्पून ऑफ गुलाब जल या फिर रोज़ वाटर. मैंने यहाँ पे डाबर का यूज़ किया है. आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो. सो पपाया इज़ रियली गुड फॉर आवर स्किन. ये डेड स्किन को रिमूव करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, ब्लेमिशेस को क्लियर आउट करता है.
सो फॉर मेकिंग द मसाज क्रीम, जो क्रीम हम अपने फेस पे मसाज करने के लिए यूज़ करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 1 फुल टीस्पून ऑफ दही या फिर योगर्ट। आप क्रीम, मिल्क क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। एनीवेज, सो यहाँ पे मैंने ऐड किया है अबाउट 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल एंड वी आर गोइंग टू गिव इट अ वेरी गुड विस्क एंड यू कैन सी इट विल टर्न इनटू अ वेरी स्मूथ पेस्ट। बहुत ही अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा विच विल बी वेरी गुड फॉर मसाजिंग। सो गाइज, मैंने अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लिया था आफ्टर अप्लाइंग द फेस मास्क। नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू द मसाज क्रीम। बहुत ही अच्छी तरह अपने फेस पे मैं मसाज क्रीम को अप्लाई कर लूँगी या फिर वो योगर्ट को मैं अप्लाई कर लूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट मसाजिंग माई फेस इन सर्कुलर मोशन। बहुत ही अच्छी तरह अपने 2 फिंगर्स से मैं अपने पूरे फेस को सर्कुलर मोशन में मसाज करूँगी। गाइज, मसाज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे फेस में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है विच गिव्स अ वेरी गुड ग्लो टू आवर स्किन। गाइज, मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया है। अगर आपके पास वाव या फिर किसी भी और ब्रांड का एलोवेरा जेल है तो फिर ऑफकोर्स आप उसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय।